ये दरवाजा खोल दिया तुमने, पकड़ो। मुझे पता है ये सीन देख के क्या लग रहा है, वो जो बंदर वाला नहीं आता, तमाशा दिखाने वाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे भाई आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अभी बस मैं चिड़ियों के पास ही आया था, तो सुबह मैंने जरा देखते हैं क्या सीन है, क्या करें क्या नहीं करें, तो अभी आप लोगों को भी चल के दिखाता हूं मैं। इसके अलावा आज मैंने कुछ सोचा है, आज मैंने क्या सोचा है वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? तो पहले तो हम जो है वो आज का दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थकन वकन उतर गई भाई सफर की हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले भाई तैयार हो जाए और हम चल रहे हैं एक मिशन के ऊपर। ये झाड़ू देखे कौन खड़ा हुआ है? हाँ सफाई कर रहे हो छत की आप? अच्छा चले भाई चिड़ियों से मिलवाते हैं आप लोगों को। ये देखें भाई, ये जो नेस्टिंग डाली थी ना हमने फिंचेस के लिए, ये सब अपने अपने घर में ले गई, फुल सेटल हो गई। देखें सिर्फ इतनी सी बची है नीचे, वो देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें, यहाँ पे भी अंदर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है। अब जो है ना घर वर के अंदर सब सेटल हो गई, ठीक है? तो ये सारा सिलसिला है भाई फिंचेस का, सही है? और भाई आप लोग कैसे हो? सही है, इन्होंने भी जो है वो इन्होंने नेस्टिंग को जो है ना इतना ज़्यादा नहीं छेड़ा है अभी, ठीक है ना? तो ये सिलसिला है। बाकी पीजन जो है वो भी माशाल्लाह सब सेट हैं, तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह, ठीक है? पानी वानी दाना वाना सब बराबर है। चले भाई आपका भाई निकल गया है, गाड़ी में सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया था और मॉस्किटो लोशन भी ज़रूरी है, वो भी मैंने रख लिया भाई। काली गाड़ी का ये बड़ा नुकसान है, ये देखें सुबह साफ़ होती है और ये देखें फिर एक दो घंटे में ये हालत होती है। इनके टाइम पर तो जो है ना गाड़ी बनी हुई होती है माइक्रोवेव ओवन, सही है ना? इसको हम सेट करते हैं ज़रा। एक तो गर्मी है, ऊपर से ये देखें यहाँ पे शरबत नजर आ रहे हैं, कहीं खरबूजे का शरबत, कहीं पाकोला मेल, क्या करे बंदा, कहाँ कहाँ रोके अपने आपको समझ नहीं आ रहा। ये हमारे साथ अदनान भाई भी बैठे हैं, क्योंकि आज के मिशन में जो है ना हम अदनान भाई के साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कल आपने हमें टोपी करा दिया, आप आए नहीं हमारे साथ सेवन शरीफ। बस जाना था। सही सही भाई, हम लोग जिस मिशन पे जा रहे हैं उससे पहले बस एक काम निपटाना है। सही, वो काम निपटाते हैं, एक्चुअली वो काम भी है, आप गुड न्यूज भी कह सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, तो वो निपटाते हैं। सही है, इसके बाद चलते हैं भाई। गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल आखिरी कतरा है और वो भी ऑरेंज कलर का हो गया है। अब हम पहुंच गए हैं एक जगह पे, सही है, और आप लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करते हैं कि क्या है आज के दिन की। चले भैया अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये देख लें भाई मशीनें रखी हुई हैं और यहाँ पे क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये चेक कर लें, ये तो हम सबकी जो है ना बचपन की यादें हैं। चलाएं चलाऊं आप लोगों को याद दिलाएं? ये चेक करें, सबकी गली में आती है ना ये आवाज़ है भाई, आती है ना सबकी गली में आवाज़ ही है, ठीक है भाई? ये पॉपकॉर्न का सेटअप है, सही है, पॉपकॉर्न बनेंगे इसके अंदर। भाई कैसे बनते हैं जरा बताइएगा? उसके तरीके का ये है, पहले इसके चूल्हे को ऑन किया जाए, सही है, उसके बाद इसको हीट करने के बाद एक स्पून इसमें तेल डालना है। अच्छा सही है, तेल में बनाए घी में बनाए एक ही बात है, और एक मक मकई, क्या बात है। बाकी मशीन का काम है इसको बनाना और बाहर करना, बेहतरीन। तमाम बन जाए तो मशीन को ऑफ करके गिरा दें इस तरह करके ना, सही है। तो ये बैटरी है इसकी, ये सिलेंडर है इसके अंदर, पूरा सेटअप जो है एक भाई को चाहिए था और वो काफी टाइम से इसको बन गया था। ये सेटअप जो है ना एक भाई को चाहिए था और वो काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड थे, तो हम लोग जो है आप लोगों को मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि हम लोगों को प्रोवाइड करें। तो अभी वो भाई भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह और हम उनको ये हैंड ओवर करें ताकि वो अपना रोजगार का मामला इसके ऊपर स्टार्ट करें। ये कितने का बना भाई? ये देखें सारा सेटअप 45,000 रुपए का बन गया भाई। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक मिशन के ऊपर, जिसको मैं बार बार मिशन कह रहा हूँ, वो वाकई बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, हम 1000 रुपए का डलवा रहे हैं सिर्फ यहाँ से, हाई ऑक्टेन 1000 रुपए का। इसका रीजन ये है और वो भी हमने देख लिया था एक बोतल के अंदर डलवा के कि भाई सही है क्लियर है, क्योंकि उसके बाद से वो वाले इंसिडेंट के बाद से हम बहुत डरते हैं। ये देखें भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं एम्प्रेस मार्केट के पास और यहाँ देखें ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। चले भाई पहुंच गए हम लोग। सीन आप लोगों को बताता हूँ, सीन एक्चुअली क्या है वो ये है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने बंदर को रेस्क्यू कर लेना है और मरी जाएंगे उसको छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, ईमेल किया, इंस्टाग्राम किया कि आप उसको मरी में ना छोड़ें, बल्कि मरी के जो बंदर होते हैं ना इसके अंदर बेसिकली ग्रुप ग्रुप होता है, फुल पड्डे होंगे और इसको जो है वो शायद एक ही दिन में मार डालें, तो हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हमारी नॉलेज में आ गया तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन इसको जो है ना इस छोटे से पिंजरे के अंदर तो निकालना है मतलब ना, तो आज हमने बोला कि इसको पहले यहाँ से तो निकालें, फिर बाद में देखते हैं कि हमने क्या करना है, इसको रिहैब करना है या इसको किसी सेंचुरी में देना है या जो भी करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो आज हम इसको निकालने के लिए आ गए हैं, कम से कम जो है ना कम से कम वो इतने छोटे से पिंजरे से निकल के किसी बड़ी जगह पे तो जाए ना। देखें ये है वो मासूम सी बंदरिया, ठीक है? और एक और आप लोगों को बात बताऊं, हमने इसका टोकन पहले ही दे दिया था, कितने 10,000 रुपये दे चुके पहले इसके, 10,000 रुपये दे चुके हैं, मजीद 10,000 रुपये हम अभी इसके देंगे और इसको यहाँ से लेके जाएंगे। घर पे चलने के लिए तैयार हो फिर? हाँ। कितने टाइम से बंदर आपके पास? 15-20 दिन हो गए। अच्छा कहाँ से आया ये, कहाँ से आई है ये? एक किसी गिराक ने लाया है। अच्छा गिराक से ले लिया था आपने,
खिलाते हैं आप रोजाना? सेब अमरूद। सेब अमरूद, क्या बात कर रहे हैं। अमरूद में सेब खाता है, केला खाता है। अच्छा चलो भाई हमारे साथ चलना है अभी, ठीक है? मस्ती अस्सी तो नहीं करती ज्यादा ये? नहीं नहीं मस्ती नहीं करती। पक्की बात है, दोस्ती हो गई आपके साथ? चलो निकाल के दिखाओ जरा, देखते हैं तुम्हारी दोस्ती कितनी है इसके साथ। ये बहुत बहुत मस्ती वाले होते हैं, बहुत मस्ती वाले होते हैं भाई। इसको मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, सही है, अपनी छत पे रखूंगा। ओए होए होए भाई, ये बड़ी स्पीड के अंदर जो है ना निकली है बाहर ना। इसकी क्या हेयर कटिंग की है? बाल वाल काटे हैं? बाल बड़ा था। बाल बड़े थे, आपने काटे? नहीं वो ग्राहक ने काटा। अच्छा अच्छा, बोलता है गर्मी में बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा काटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए होए 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 भाई, फुल एक्टिव। ये काटती काटती तो नहीं है? नहीं काटने वाला नहीं है, पला हुआ है, बच्चा है। अच्छा पला हुआ है। अच्छा मादी जो है वो थोड़ी सी शरीफ होती है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा गोद में बिठा के जाएंगे अपनी यार? ऐसा नहीं भाग जाएगा फिर छोटा चैन। हाँ ये भी है। ये भाई पूछ रहे हैं आपको पिंजरा इसके लिए कौन सा चाहिए? भाई हमको पिंजरा नहीं चाहिए, हम तो इसको जो है ना रानी बना के रखेंगे। रानी महल में रहती है ना रानी, हाँ ऐसे बना के रखेंगे। भाई अब एक और सीन ये है कि हमने इस मंकी को जो है ना अपने साथ डायरेक्ट ऐसे ही गले से वो बांध के जो है ना नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसने हमें नचा देना है, हमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं मंकी का। तो हम क्या करेंगे, टेम्प्रेरी कोई केज ले लेंगे जिस केज के अंदर हम इसको सुकून से रख के लेके जा सके। तो जहाँ से मैंने अपनी बर्ड के लिए केज लिए थे वहीं आ गया हूँ मैं दोबारा। भाई ये वाला सही है, क्योंकि हमने वहाँ तो जाके इसको निकालना ही है ना। भाई इसको नहला सकते हैं फुल VIP शैम्पू वैम्पू लगा के? वाह भाई कोई डाल दिया इसके अंदर हमने, ठीक है। इसको लॉक कर दीजिएगा सही से, ऐसा ना हो जब वहाँ पहुँचे तो इसके अंदर हो ही ना। ये बेटा आपके लिए जो है ना नया घर है अभी फिलहाल, थोड़ी देर के लिए जब तक हम लोग घर पे नहीं पहुँचते, ठीक है ना। ओए हो कुर्ता पकड़ लिया, ओ हो भाई कुर्ता खा लिया, उड़ा उड़ा दामे उड़ाए उड़ा उड़ाए दामे अदनान भाई, अगर इसने काटा ना यकीन करें 14 इंजेक्शन लगेंगे इतने बड़े बड़े। हाँ भाई चेक करें क्या खा रहा है, ये अमरूद है मेरे ख्याल से, बेहतरीन। ये अपना ये फूड लॉक कर रहा है अपना। यहाँ पे और भी बर्ड्स हैं देखें कितने प्यारे प्यारे। मैं पहले बार आया था तो मैंने ये दो देखे थे, आज ये भी है और भी हैं बहुत सारे। भाई इसने तो जो है ना पूरी बुनियादें हिला दी हैं। भाई सीन ये है कि हम इसको जो है ना, उसने ये बताया बंदर वाले ने कि इसको आप गाड़ी के अंदर बंद करके नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपने गाड़ी में बंद कर दिया तो इसने क्या करना है, वॉशरूम वगैरह ये वो सब कुछ, तो गाड़ी के अंदर काफ़ी स्मेल हो जाएगी, गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। तो इसने बोला कि आप इसको रिक्शे में लेके जाएं, तो ये हम रेकमेंड करते हैं। तो अब हम जो है ना रिक्शा करा रहे हैं, सही है यहाँ से, और रिक्शे में फिर जो है ना हम लोग चलते। अच्छा ये जो हमने अभी थोड़ी देर जो है ना ये देखें, टेम्प्रेरी जो है ना इसकी रस्सी, उसने बोला कि अभी आप टाइट रखें वरना तो इसने पिंजरा खोल के भाग जाना है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ टेम्प्रेरी इसकी टाइट रखी। जी अदनान भाई सही है बंदर बिल्कुल बेहतरीन। भाई आपसे रिक्शे से साथ साथ ना क्या क्या ये इसको मैं लेके जा रहा हूँ सारा अपने घर पे, आपके घर नहीं जाएगी अभी। मेरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मेरे बच्चे खेलेंगे इसे एंजॉय करेंगे थोड़े। अदनान भाई का दिल आ गया इसके ऊपर, वाह भाई। नहीं वाकई आप मजाक करें, सीरियस है? सीरियस मैं तो लेके जा रहा हूँ, दो दिन चार दिन ये मेरे पास है यार। अब्दुल कबीर वेट कर रहा है इसका भाई, अब्दुल कबीर खेले चाहे मेरे बच्चे खेले, बात एक ही है। अच्छा चले देखते हैं, वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे किसके घर पे जा रहे हैं। भाई अब ये रिक्शा लेके जा रहे, रिक्शे में लेके जा रहे हैं भाई इस बंदर को। अच्छा भाई जान बात सुने, आप पीछे बैठिएगा, ये मंकी को भी चलाने आता है रिक्शा, ये चला लेगा भाई, संभल के चलाइएगा रिक्शा, ऐसा ना हो बंदर पीछे से हाथ पकड़ के खींच ले आपको। हाँ चले भाई। भाई अदनान भाई लेके निकले अभी फिलहाल इसको रिक्शे में, मैं अपनी गाड़ी जो है वो अपने घर के पास खड़ी करता हूँ, इसके बाद मैं अभी रिक्शे में ही जाऊंगा आगे। भाई अभी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, सही है, ये मिशन मंकी के अंदर वो ये है कि मेरी अजलान शाह से बात हुई है, क्योंकि उसको जो है वो भाई जानवरों के बारे में बड़ी नॉलेज है और वो भी भाई रेस्क्यू वगैरह कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि यार उस बंदे से ही पूछते हैं, उसने ये बताया कि आप इसको मरी में छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मरी की ही बंदरिया है, सही है, वहीं की नस्ल है। हाँ क्योंकि अजलान के पास खुद जो है वो चित्राल के कुछ बंदर हैं, उसने बोला कि मैं वो जाके मरी में नहीं छोड़ सकता वरना वहाँ पर फड्डा हो जाएगा और कोई नुकसान हो सकता है किसी बंदर को। तो अब सिलसिला ये डिसाइड हुआ कि हम इसको मरी में छोड़ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला आसान लग रहे हैं। लेकिन अब डिस्कशन हम कर रहे हैं कि कैसे कब क्या क्या चीजें देखते हुए मद्देनजर रखते हुए निकलना पड़ेगा, सही है। तो मीनवाइल हम इसको अभी जो है वो आज या तो मेरे घर या तो अदनान भाई के घर पे रखते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है, देख रहे हैं मतलब कितनी स्पीड में काम हो रहा है, ऐसे स्पीड में हमारे अगर मुल्क में काम होने लगे तो कहां से कहां पहुंचे। अच्छा एक और बात बता दूं आप लोगों को, इस ग्रुप के अंदर जो बंदे ऐड हुए हैं ना उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एनिमल बिहेवियर और साइकोलॉजी के अंदर, और वो भी पाकिस्तान से नहीं कैलिफोर्निया से, ये चीज मुझे अजलान भाई ने बताई है, ठीक है। और इनकी एक्सपर्टीज की रोशनी के अंदर हम सारा काम करेंगे। भाई अभी जो है ना बिस्किट विस्किट का तो सीन चल रहा है, देखें चॉकलेट वाला बिस्किट चल रहा है भाई, सही है। बस जब तक ये मेहमान है ना इंशाल्लाह जो है ना फुल VIP खाना मिलेगा इंशाल्लाह।
भाई सफर स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। ये भाई मंकी के साथ हम जा रहे हैं और डिसाइड ये हुआ, अदनान भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे घर पे, तो मैंने कहा ठीक है ओके, हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। ये हमारे अदनान भाई साथ साथ जा रहे हैं भाई, ठीक है। बड़े खुश हैं कि इनको आज जो है ना बंदर मिल रहा है। ये केले भी हम ले रहे हैं क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, खराब हो जाते, तो आज के दिन में हम 2 या 3 दर्जन ले लेते हैं, सही है, और बाकी इस तरह डेली बेसिस के ऊपर खाना लेते रहेंगे। भाई 3 दर्जन दे दें, कितने के भाई दर्जन? 80 रुपए दर्जन है। 2 दर्जन के 150 है, 4 दर्जन कर दो 300। अच्छा भाई, सिर्फ जो है ना केले से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट देना है, तो हमने जो है ना सेब भी ले लिए भाई, सही है। अल्लाह माशाल्लाह अदनान भाई, फुल खातिरदारी करनी है आपने, हाँ अभी आपका मेहमान है वो, सही है ना भाई। यहाँ पे नॉर्थ कराची में आके तो ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में आ गया हूँ, देखे भाई दुबई मेट्रो चल रही है, बिल्कुल ऐसा लुक आ रहा है भाई, क्या बात है। पहुँच गया मोहल्ले में, ये देखे मोहल्ले के बच्चे जमा हो गए भाई बंदर को देख के फुल, ना अबे तुम डरते हो यार पकड़ो यार। ये भाई ये है हिम्मत वाला लड़का, ना उठा लिया इसने भाई, चलें भाई आ गया यहाँ पे, ये सीन है कि अदनान को जो है ना आज घर वाले बाहर निकाल देंगे घर से, सही है ना, बोला बंदर ले आए हो सही है लेकिन तुम बाहर निकल जाओ। जोक्स अपार्ट, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है इस मंकी के रेस्क्यू के लिए, उसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जितना मैंने सोचा था उतना आसान काम नहीं है इसको रेस्क्यू करना, ऐसा नहीं है कि आपने गए और मरी में आपने इसको छोड़ दिया, बेशक ये मरी का मंकी है लेकिन आप इतनी इजीली उसको वहां पे नहीं छोड़ सकते, इससे पहले काफी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तो हम उसको सब कुछ करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जब सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, सही। अभी तो फिलहाल कुछ खापे शापे का टाइम है इसको, ठीक है, तो कुछ खिलाते हैं। इसकी रस्सी खोल दी है, रस्सी खोलने के बाद जो है ना आप मस्ती चेक कीजिएगा, एक्चुअली मस्ती नहीं है, जाहिर है ये जानवर है आजाद घूमने वाला, इसको बंद किया जाए तो इरिटेट तो होगा। अच्छा सबसे पहले जो है ना आपको इसके साथ रखेंगे हम, सही है ना, आ जाओ इसकी मजे, वाह यार बच्ची तो जो है बिल्कुल ब्रेव है, पकड़ लो इसकी माशाल्लाह, ये लो रस्सी पकड़ लो, अरे भाई पकड़ ली, ये चढ़ जाएगा ऊपर बैठ जाएगा आपके, नहीं काम करो ना रस्सी को बाहर से इसके ऊपर बांध दो, इसके ऊपर हाँ रस्सी को पहले यहाँ बांध दो, हाँ इसके हैंडल को यहाँ बांध दो, टाइट से बांधना, पिंजरे को पकड़ के रखना, पिंजरे को खींचता हुआ लेके जाएगा, पता है आपको, हाँ ओए दरवाजा खोल दिया तुमने, पकड़ो तुमने ये क्या वर्ण मारा है यार, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया, ओए देखें मंकी की रस्सी जो है ना हमने बड़ी कर दी है, ठीक है, और इस एरिया में हमने इसको जो है ना अभी फिलहाल खुला छोड़ दिया, खुले से मतलब ये कि एटलीस्ट ये मूव कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना सेटल डाउन होगा, इसके बाद हम इसको बनाना देंगे क्योंकि अभी दिया था और वो देखें सामने वो नीचे रखा हुआ बनाना, उसने फेंक दिया था, सही है ना, क्योंकि जाहिर घबराया हुआ है, ठीक है, आसान काम नहीं होता किसी स्पेशली मंकी को रेस्क्यू करना, वो अंदाजा हो गया है, देखे ना इसको मौका मिला है ना काफी दिन बाद, ये बच्चे डर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहा है, हमने सोचा कि नीचे तो जगह थी अच्छी लेकिन ऊपर और बड़ी जगह है और चिल कर सकेगा, सही है ना, तो यहाँ पे जो है ना खुली जगह पे इसको बांधते और बड़ी रस्सी के साथ हम आपकी जो है ना आजादी के लिए काम कर रहे हैं, सही है, तो आपने जो है ना बड़ा रिलैक्स मारना है यहाँ पे, सही है, चिल करना है, सही है ना, हम आपको लेके जाएंगे घुमाएंगे फिराएंगे और फिर जंगल में ही आजाद करेंगे इंशाल्लाह, छोड़ दें रिलैक्स हो जाए कहीं नहीं जाता, ये इतना सेंसिबल है, इसको पता है इसने क्या करना है, खाएगा हाँ देखें अब हो गया ना, थोड़ा सा सुकून में आ गया, हो जाएगा सर उसका कोई परेशान, हाँ फेंक दिया इसने केला, शायद पेट भरा हुआ होगा इसका, बाद में खाएगा, चले भाई सेब काट के दे रहे हैं, एप्पल खा लो भाई दे दो, नहीं पकड़ेगा तुमको, प्यार करो बस इसको, प्यार करो नहीं है। मुझे पता है ये सीन देख के क्या लग रहा है वो जो बंदर वाला नहीं आता तमाशा दिखाने वाला चले भाई यहीं पे जो है ना हमने असर की नमाज भी पढ़ ली है। अजलान शाह ने मुझे एक और चीज बताई है कि आपने जो इसके गले में बेल्ट है ना वो गलती से भी नहीं निकालना है, क्योंकि जब तक ये बेल्ट होता है ना तो इनकी एक साइकी है कि इनको एक अंदाजा रहता है कि ये किसी के कंट्रोल में है, अगर बेल्ट निकाल दिया तो ये बाइट करना भी स्टार्ट कर देगा। आसमान चेक करें, वो सूरज की किरणें चेक करें आप कैसे आ रही हैं बादलों को क्रॉस करके, यार कितना साफ आसमान है, ये देखें भाई रोटी दी थी ना इसको तो रोटी खा रहा है, सही है ना, या तो इसका मतलब ये कि इसको फ्रूट्स दिए नहीं जाते थे, ठीक है, और रोटी वोटी पकड़ा दी जाती थी तो अभी ये रोटी तो खा रहा है, ये देखें। डोंट वरी मंकी, वी आर गोइंग टू रेस्क्यू यू एंड वी विल सेंड यू बैक टू द फॉरेस्ट, ओके
बाय बाय। चले भाई अब मैं जा रहा हूँ घर पे, रिक्शा करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है जाओ तुम घर पे जाओ। ओके चले भाई बिस्मिल्लाह। ओ भाई ये तो सोफा लगाया हुआ तुमने, 600 रुपये में हो गया भाई रिक्शा, 600 रुपये में। खाने पीने का VIP ध्यान रखना उसका। भाई घर के पास पहुंच गया हूँ, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है, सही है, अब मैं जा रहा हूँ घर पे। चलो भाई चलो, बच्चों की याद आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? क्यों रो रहे हो मोहम्मद अहमद? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को क्या हुआ? हुए मेरे पास भी नहीं आ रहा भाई। तो घर पे आ गया हूँ और मंकी के चक्कर में जो है ना आज काफी ज्यादा जो है ना दिन में थक गया हूँ मैं, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड मिशन मंकी, आप लोगों ने देखते रहना है कि कितना लंबा चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं मालूम है। ये हमारा भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मजा अलग आएगा आप लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज एडवेंचर से भरी हुई है, ठीक है। तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। कल के डेली ब्लॉग में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।